नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आज की स्टूडियो में। आज की स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनाइट डिफरेंस के ऊपर। ये सेकेंड ईयर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है ये समझेंगे ठीक से, किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है, और किस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग को मालूम है हम लोग हमेशा किसी फंक्शन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए वाई आपका कोई फंक्शन है एक्स का, जिसमें आप एक्स को हमेशा बोलते हो कि वेरिएबल है, यानी कि वाई आपका एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। या हम लोग एक्स को कभी कभी क्या बोलते हैं कि ये हमारा आर्गुमेंट है ठीक है। एक्स होता है आर्गुमेंट एंड वाई को हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली एंट्री ठीक है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोला जा सकता है। तो मैं बोलूंगा इसको सिंपली है ये आर्गुमेंट है और ये एंट्री। जब भी आप अपने आर्ग्यूमेंट को चेंज करते हो तो आपकी एंट्री की वैल्यू भी चेंज होती है ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम एक टेबल की तरफ से समझे इसको, तो मान लीजिए अगर x का वैल्यू a है तो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा f ऑफ a, दैट मींस y की जो वैल्यू हो जाएगी वो f ऑफ a हो जाएगी। अगर मैं a की वैल्यू में कुछ सर्टेन वैल्यू एड कर दूं, सर्टेन वैल्यू एड करने से मतलब निश्चित वैल्यू ठीक है, h मैंने एड कर दी इसके अंदर, तो मेरे फंक्शन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। नाउ अगर मैं इस वैल्यू को एफ ऑफ सॉरी ए प्लस टू एच कर दूं, दैट मींस कि सेम वैल्यू मैंने वापस से उतना ही एच के बराबर वैल्यू इसमें ऐड कर दिया आर्गुमेंट के अंदर, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा ए प्लस टू एच एंड सो ऑन ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि बार बार जब भी आप ऐड करोगे तो सर्टेन वैल्यू, फाइनाइट सीरीज की हम लोग अगर बात करें, फाइनाइट डिफरेंस की अगर बात करें, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि फाइनाइट डिफरेंस के अंदर हम लोग सर्टेन वैल्यू को ही ऐड कर रहे हैं और सर्टेन वैल्यू को ही माइनस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस बार हमने एच प्लस किया है और अगली बार हम लोग कोई नया नंबर इसके अंदर ऐड कर दे, तो वो नहीं करना है उसको। अब इसका मीनिंग क्या है, फाइनाइट डिफरेंस का मीनिंग क्या है, कि अगर मैं इन दोनों आर्ग्यूमेंट के बीच का डिफरेंस अगर लूं तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस एच माइनस ए बराबर एच। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूं तो भी ये क्या हो जाएगा, ये भी एच ही होगा, ए प्लस टू एच माइनस ए माइनस एच इक्वल्स टू एच, ये भी उतना ही हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। और अगर हम लोग इस डिफरेंस को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, दैट मीन्स कि ये एफ ऑफ ए की नेक्स्ट एंट्री है और ये ऑरिजिनली हम लोग का फंक्शन था ए पे जिसकी वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो ये जो हमारा डिफरेंस है ना इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से ठीक है। और ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम एफ ऑफ ए को फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ में, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम लोग को कैसे लिखना होगा इसको, नेक्स्ट एंट्री से जिस एंट्री को हम लोग कर रहे ऑपरेट माइनस कर देंगे ठीक है। चलिए इसके आगे थोड़ा सा इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं, किस तरह से फॉर्मुलेशन होता है इसका। अच्छा, तो ये तो बात हुई जब आप अपने एफ ऑफ एक्स को ऑपरेट करते हो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ, तो आप इसको लिखते हो इसके नेक्स्ट एंट्री से इसको माइनस कर देते हैं हम लोग ठीक है। अगर हम इसको दो बार ऑपरेट करें अपने फंक्शन को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ, तो क्या हो जाएगा डेल डेल ऑफ एफ एक्स ठीक है। एक जनरलाइज्ड रिजल्ट हम लोग को क्लियर करना है, फिर क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोगों ने लिखा था भी यहां पे जब हमने ऑपरेट किया था इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ में, तो ये सीधे रिजल्ट में यहां लिख दे रहा हूं। अच्छा, अभी इसको मैं दोनों को ऑपरेट करूंगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से, तो क्या हो जाएगा मेरे पास रिजल्ट इसका ठीक है। तो ये रिजल्ट फिर से हम लोग के पास में है, तो इसको तो हम सीधे ही रख देंगे, इसकी बात करते हैं ठीक है। तो बेसिक्स क्या था कि जब भी हम किसी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ, तो फंक्शन को हम उसकी नेक्स्ट एंट्री से माइनस करते हैं। तो फंक्शन की नेक्स्ट एंट्री क्या थी, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ, यानी कि इसकी नेक्स्ट एंट्री से इसको हमने माइनस कर दिया, माइनस
इसकी नेक्स्ट एंट्री से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस, ये क्या हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ, दोनों माइनस हो जाएंगे तो जुड़ जाएगा ये आपके पास, एड होकर आ जाएगा टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस एफ ऑफ एक्स। अब ये बात हुई आपकी जब आपने इसको दो बार ऑपरेट किया, अभी मैं क्या करने वाला हूं इसको एक बार फिर से ऑपरेट करने वाला हूं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है ये लिखेंगे हम इसको, अब इसको हम लोग सीधे वैल्यू लगा देंगे ये वाली जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ये सभी को हम लोग ऑपरेट करेंगे, इसको भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ, इसको भी और इसको भी, तो कैसे हो जाएगा ये आपके पास में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ में आप इसको कर रहे हो एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ इसको ऑपरेट कर रहे हैं, देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ इसको भी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, चलिए ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा जब हम किसी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ तो उसको उसकी नेक्स्ट एंट्री से हम लोग माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू टाइम्स, यहां पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, अब बीच में माइनस होता है आपके पास पहले से एक माइनस यहां पे, तो माइनस माइनस प्लस, और इसकी प्रीवियस एंट्री क्या होगी एफ ऑफ दैट मीन्स ओरिजिनल एंट्री एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और जब हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच माइनस एंड माइनस प्लस थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच, एंड फर्दर जब इसको एड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस सॉरी टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा अब इसको जनरलाइज करके अगर मैं बात करूं तो जनरलाइज कैसे करेंगे, मान लीजिए आप किसी फंक्शन को एन टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो तो दो रिजल्ट क्या होगा आपका, तब आपको क्या करना होगा, तब आप कुछ इस तरह से करेंगे डेल एन माइनस वन डेल एफ ऑफ एक्स, और ये रिजल्ट क्या था जब हम इसको ऑपरेट कर रहे थे तो ये था आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा डेल एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन एफ ऑफ, ठीक है। तो ये बात थी बेसिक्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा फॉर बेसिक्स ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और देन हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग ऑपरेटर, जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनकी बात करेंगे, एंड देन हम लोग साथ ही इसके कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के कुछ बेसिक्स के बारे में, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है।